हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी मास्टर्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप इन दोनों बुक्स का कवर पेज देख लीजिए। ये हमारे विशाल पब्लिकेशंस की बुक है। अगर हम पेपर क्वालिटी की बात करें तो पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है इसमें, और ये अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक है और पेपर क्वालिटी अगर देखेंगे तो बहुत ही वर्स्ट पेपर क्वालिटी है। तो फिर आगे देखते हैं कि मटेरियल हमें पेपर क्वालिटी से क्या करना है, हमें मटेरियल अच्छा होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो में कि क्या कंटेंट है, क्या मटेरियल है इन दोनों बुक्स में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप पहले ही सिलेबस देख लीजिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड किया गया है। सीरियल नंबर 1 पे है हमारा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसमें जो है पहले ही पॉपुलर नेम्स ऑफ द पर्सनैलिटीज, ऐसे ऐसे सबने सिलेबस देखा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जो है विशाल की बुक रखूँगा आपके सामने। अगर आप लेने जाओगे तो विशाल की बुक कुछ इस तरह से आपको मिलेगी, उसका कवर पेज। तो खोलते हैं इसका कंटेंट कि इसने क्या दिया है इसमें। तो पहले ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल वगैरह वगैरह। ये आपका करंट अफेयर पोर्शन जो है दोनों बुक्स में मिलेगा। और बेहतर सोर्स है कि अगर आप कोई और सोर्स अख्तियार करते हो या आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये वाला पोर्शन जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है आपको ऑब्वियसली वो थोड़ा स्ट्रांग ही होगा। तो हम मेन टॉपिक पे मेन बॉडी के लिए बात करेंगे जिसके लिए जो है ये बुक्स हम पढ़ते हैं, क्योंकि करंट अफेयर तो जनरली हम बाकी सोर्सेज से भी हासिल करते हैं। तो सीरियल नंबर 1 पे आप देख लीजिए पॉपुलर नेम्स ऑफ द पर्सनैलिटीज रिलीजन पॉलिटिक्स एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज ज्योग्राफिकल स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। तो जैसे यहाँ पर आप सिलेबस में देख रहे हो सेम इसी तरह से इसने भी कंटेंट में डाला है, चाहे फिर कम दिया है ज़्यादा दिया है तो वो हम आगे देखेंगे। लेकिन कंटेंट जो है विशाल के बुक का वो सेम टू सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू ही है, टू द पॉइंट है जो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे इसमें जो है मेन बॉडी में क्या लिखा है। चलो कंटेंट तो हमने देख लिया, अच्छा खासा कंटेंट है, लेकिन अब बात करेंगे मेन बॉडी की कि लिखा क्या है उसने। तो आप देख रहे होंगे कि यूनिट 1 ने इन्होंने लिखा है सेंट एंड पॉइट्स। तो इसमें जो है पुराने जो है फेमस पर्सनालिटीज जो है कश्मीर के, आप सिलेबस पे देख लीजिए, सिलेबस भी आपके सामने ही है। वहाँ पर भी पहले क्या है पॉपुलर नेम्स एंड पर्सनालिटीज, तो इसने भी पॉपुलर नेम्स ऑफ नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज लिखा है। ठीक है, तो इसने अलग अलग तरीके से पोइट्स का अलग से लिखा है। ठीक है, पोइट्स का अलग से लिखा है, और उसके बाद इसने क्या लिखा है एमिनेंट पर्सनालिटीज फेमस आर्टिस्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कुंदन लाल सहगल वगैरह वगैरह। तो इससे इससे ऐसे जो है इन्होंने लिखा हुआ है, तो कैटेगराइज किया है। ये चीज़ मुझे विशाल का जो है विशाल पब्लिकेशन का बहुत अच्छा लगा। प्ले राइट्स का जो फेमस पर्सनालिटीज़ है वो कौन है, आप इसके लिए जो है कम भी कर सकते हो, आप अकॉर्डिंग चाहे तो आप कम भी कर सकते हो, वो आप तक है। तो इसी तरीके से जो है इसने सारे टॉपिक्स जो है हर एक इसमें हर एक सब्जेक्ट में और हर एक टॉपिक में इसने टू द पॉइंट लिखा है। तो लेकिन थोड़ा 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 कम लिखा है। आप अगर यहाँ से आप बेसिक्स क्लियर करोगे तो आपको चाहिए कि आप यूट्यूब पे जाएं या गूगल पे जाएं या किसी और सर्च इंजन पे जाइए, और जहाँ से आप और ज़्यादा नॉलेज जो है हासिल कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आप देखिए फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सीधे कॉपी पेस्ट है। ठीक है, तो आई मीन कॉपी पेस्ट नहीं, यानी यहाँ पर जो सिलेबस में है इन्होंने भी यहाँ पर कंटेंट में सेम ही डाला है, मीन्स इन्होंने फिर आगे इसको इलैबोरेट किया है। तो वो आप देख लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी तरीके से इन्होंने जो है बुक लिखी है, और इसमें आर्टिकल्स वगैरह जो है, हाँ एक बुक में सारा तो कंप्लीट नहीं होगा, आपको ज़रूरी यूट्यूब और अदर सोर्सेज से भी और ज़्यादा नॉलेज हासिल करनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर इतनी ही बुक सारे पढ़ेंगे तो फिर बैचलर्स डिग्री में तो हम इससे ज़्यादा पढ़ते हैं। हाँ, तो एक एक सेमेस्टर में छः छः किताबें पढ़ते हैं, चाहे वो आप किसी भी ब्रांच से ताल्लुक़ रखते होंगे, आर्ट्स इंजीनियरिंग कॉमर्स वगैरह। तो इसके अलावा भी आपको पढ़ना है, मेरा ये मकसद है कि इन्होंने जो है टू द पॉइंट हर एक सब्जेक्ट में जो है टू द पॉइंट सिलेबस वाइज ही लिखा हुआ है, थोड़ा सा कम कम ही लिखा है। बेसिक्स आप यहाँ पर क्लियर करो, और अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा जानना है, जाहिर सी बात है जानना तो है, तो आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो है यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं इस चीज़ के रिलेटेड, आप उस चीज़ को फिर रिसर्च कीजिए अपने जगह पे कि हम इसको कैसे और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसके बरक्स यहाँ पर आपके सामने अरिहंत की बुक लाऊंगा जो कि फेमस पब्लिकेशन है। तो चलिए सिलेबस में देखते हैं
कंटेंट में क्या है, सिलेबस में जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, हाँ जी यही हमें चाहिए। तो इसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, जम्मू एंड कश्मीर एट ग्लैंस, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, फिजियोग्राफी, रिवर्स लेक्स, सॉइल एंड मिनरल, ये तो इंजीनियरिंग का सिलेबस लग रहा है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक्सेट्रा। चलिए जी देखते हैं अंदर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए कंटेंट जो है, वहाँ विशाल आप कंपैरिजन कर रहे हो तो ये ध्यान में रखें, विशाल का जो कंटेंट है वो टू द पॉइंट सेम टू सेम सिलेबस था, आप सिलेबस भी वो एज ए कंसिडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ और है तो आगे हो सकता है कुछ अच्छा हो, अच्छा मटेरियल हो। तो ये करंट अफेयर जैसे मैंने अभी आपको बताया, करंट अफेयर आपको कहीं से भी मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर एट ए ग्लैंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने डेमोग्राफी वगैरह इसमें जो है बेसिक जो आपको चाहिए कि कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेना है, तो वो तो इन्होंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, कि इसकी पॉपुलेशन कितनी है, श्रीनगर क्या है, कैपिटल है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, बाउंड्रीज वगैरह, इंटरनेशनल बॉर्डर पे क्या क्या है, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसी तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले ही इन्होंने चैप्टर वन में वो दिया है, चैप्टर टू ने, टू में इन्होंने दिया है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में इन्होंने दिया है ओरिजिन, यानी कहाँ कहाँ से इन्होंने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को लिखा हुआ है, कल्हाना की राजतरंगनी, ठीक है, तो इन्होंने मैक्सिमम राजतरंगनी कही यहाँ पर, और भी कुछ होगा। तो अर्ली हिस्ट्री में महाभारत पीरियड, मौर्यन एम्पायर, कुषाण एम्पायर, करकोटा डायनास्टी, ठीक है, और इन्होंने करकोटा डायनास्टी पे जो है एंड किया हुआ है अर्ली हिस्ट्री का। उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री में उत्पाला डायनास्टी, लोहारा डायनास्टी, और फिर उसके बाद आता है मुस्लिम रूल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें इन्होंने सिख रूल दिया है, सिख रूल की डेफिनेशन है यहाँ पे, यहाँ पे। तो इसके बाद देखेंगे, इसके बाद ये आपको ढूंढना होगा, यहाँ पर ये डिफरेंस है, वहाँ पर टू द पॉइंट आपको बेसिक्स ही क्लियर हो जाए, लेकिन टू द पॉइंट है, आपको इधर उधर कन्फ्यूज़ होने की, तो आप कन्फ्यूज़ होंगे ही नहीं, तो आपको सीधे सीधे मिल जाएगा कंटेंट जो भी होगा, आपको सीधे सीधे मिल जाएगा, चाहे बेसिक ही मिल जाए लेकिन मिल जाएगा। यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, रिवर्स एंड लेक्स, ग्लेशियर्स, ठीक है, सॉइल एंड मिनरल्स, सॉइल कोल जिप्सम, ये तो हमें किसी काम के है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, तो हमें IAS थोड़ी करना है यहाँ पे, IAS वाले बेशक पढ़े, लेकिन जिसका टारगेट JKSS भी होगा, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा एक्स्ट्रा है जो आपके काम में नहीं है। वहाँ पर कुछ, वहाँ पर वेदर और क्रॉप्स के बारे में भी लिखा गया था सिलेबस में, यहाँ पर तो है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन क्या है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, कोल्ड एराइड डेजर्ट एरियाज, लद्दाख वगैरह, मेन क्रॉप्स में राइस, मील्स, देखो यहाँ पर इन्होंने जो है मेन क्रॉप्स में क्या दिया है, मेन क्रॉप्स में इन्होंने दिया है, सीधे सीधे लिखा है राइस, व्हीट, मेज, टोबैको, ऑयल सीड, पल्सेस, सैफरन, बस इतना ही। और विशाल में क्या है, वहां पर आपको खरी जो है, रबी क्रॉप्स कौन से हैं, ठीक है, तो खरी क्रॉप्स कौन से हैं, यानी कि विंटर में कौन से उगते हैं, समर में कौन से उगते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है वहां पर कि जो पोटैटो है वो खरी क्रॉप है या रबी क्रॉप है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है जो कि अरिहंत में नहीं दिया गया है, आई थिंक दैट इज अगेन वन मोर डिमेरिट। तो उसके बाद फ्लोरिकल्चर, सीरिकल्चर कौन कौन सी डिपार्टमेंट है, अच्छी बात है, तो नॉलेज के लिए बेस्ट है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बात करते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की, तो मेरे ख्याल से ये जो हम अरिहंत की पढ़ रहे हैं इसमें टू द पॉइंट तो नहीं है, इसमें जो भी आपको मिल रहा है कंटेंट जो है वो क्या है, टू द पॉइंट नहीं है। और अगर आप विशाल की बात करेंगे, विशाल में ऑल दो थोड़ा शॉर्ट है, जैसे कि सारे बुक्स देते हैं, क्योंकि सब कुछ तो आपको नहीं मिलेगा एक ही बुक से, आपको अलग अलग, क्योंकि अकाउंटेंसी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है वगैरह वगैरह पढ़ना है, तो आपको एक ही बुक पे ये मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी विशाल की बुक जो है वहां पर आपने देखा कि वहां पर टू द पॉइंट था, तो आप बेसिक्स वहां से क्लियर करो। अगर आपको थोड़ा इलेबोरेट चाहिए तो आप किसी और सोर्स को अपनाओ, यानी कि आप यूट्यूब पे देख लो, या आप जो है गूगल कर दो, कि कहीं से भी आप हासिल कर दो कुछ भी नॉलेज, बट आप ये चीज़ जो है अरिहंत वालों ने काफ़ी कंफ्यूजिंग दिया है, टॉपिक्स भी कंफ्यूजिंग है कि आप उसमें क्या ढूंढोगे, और अंदर जो मटेरियल है वो भी सफिशिएंट नहीं है, वो भी सिलेबस को जो है मैच नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों के कंपैरिजन में, मैं किसी के खिलाफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ कंपैरिजन की, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं आपको बोलूँ। मुझे जो पर्सनली लगा वो, मेरे पास दोनों हैं, आप देख रहे हो मेरे पास दोनों पढ़े हैं, अरिहंत भी पढ़ा है, विशाल पब्लिकेशंस भी पढ़ी है, तो एज पर माई सजेशन गो फॉर विशाल, बिकॉज अरिहंत में आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा, अगर आपको इजीली अवेलेबल मटेरियल चाहिए, और इसमें जो है आपको
कन्फ्यूजन आप नहीं चाहते, ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता है कि उसको कन्फ्यूजन हो जाए पढ़ने के दौरान, तो आप ये वाली बुक विशाल बुक पब्लिकेशन जो है विशाल पब्लिकेशंस की बुक फॉलो करें, और इसमें आपको टू द पॉइंट तो सब कुछ मिलेगा लेकिन थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट मिलेगा, तो बाकी इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कुछ टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें एक्स्ट्रा है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, आप उसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो या यहाँ से पढ़ रहे हो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उसके बाद आप थोड़ा और भी ज़्यादा रिसर्च करो उस टॉपिक के बारे में, थोड़ा और जान लो उस टॉपिक के बारे में, तो तभी आपको एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा हो जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे अरिहंत के लिए जाओ या विशाल के लिए जाओ, तो मेरा सजेशन तो आपने जान ही लिया और कंपैरिजन आपने खुद देख लिया क्योंकि कंटेंट आपके सामने है, ठीक है। आप पहले कंटेंट पे ही पता चलता है कि बुक कैसे होगी, कहते हैं ना फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो इसी तरीके से क्या बोलते हैं, कंटेंट इज द इंडेक्स, यू कैन सी द कंटेंट हियर, सो इट इज द इंडेक्स एक्चुअली ऑफ द बुक, तो यहाँ पर आपको सब कुछ पता चलता है तो कि आपको किस तरीके से मटेरियल वहाँ पर मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको खुद अब डिसाइड कर लेना चाहिए आपको ये लेनी चाहिए या ये लेनी चाहिए, तो विच वन इज द बेटर फॉर यू, यू गो फॉर एक, चाहे विशाल चाहे अकाउंट्स असिस्टेंट की जो है अरिहंत वालों की बुक है। और दूसरी बुक जो है मैं आपको बता दूँ, तीसरी बुक जो है मैंने रिसर्च किया है वो विनोद की है, विनोद की अगर आपके पास नहीं है तो उसका पीडीएफ मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो और फिर खुद देख सकते हो वहां पर। वहां पर ऑल द टू द पॉइंट, तो उन्होंने सिलेबस भी कंटेंट सेम ही दिया है लेकिन बहुत कम दिया है, मीन्स इन कंपैरिजन ऑफ दीज टू बुक्स वो बहुत ही ज़्यादा कम है। आई डोंट थिंक कि यू शुड गो फॉर इट, ऑल दो देर इज़ द आई थिंक 750 अराउंड 750 पेजेस इन विनोद पब्लिकेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर द अकाउंट्स असिस्टेंट ऑफ पंचायत पोस्ट, वहाँ पर जो है 750 पोस्ट अराउंड सॉरी पेजेस है बुक के, लेकिन मुझे उसका मटेरियल कुछ खास नहीं लगा पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, तो आप उस पर भी चेक कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो उसका पीडीएफ का लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपको अच्छा वो भी लगता है तो आप वो भी पढ़ लीजिए, जहाँ से आपको आप मर्जी आप वहाँ से पढ़ लीजिए, लेकिन जान लीजिए कि आपको बुक पढ़कर फ़ायदा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप मतलब बुक लाओगे फिर मतलब आपको पछताना पड़े, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए, और इसीलिए हम भी ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप जो है डिसाइड पूरी तरीके से कर लो कि आपको कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से आप तक जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पहुँचाते रहेंगे, तो और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इट्स फ्री, इट्स टोटली फ्री, सो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से हमें एक तो हौसला बढ़ जाता है और आपके ही तरह फिर बाकी लोग भी उनको भी वो जो है सजेशंस में आता है कि आप ये वीडियो देख लीजिए, और आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।